वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो जैसा कि मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि मैं सर्व्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आऊँगी और बेसिक मैंने कल आपको इसका वीडियो अपलोड कर दिया है, तो आप जाकर के देख सकते हैं। आज हम देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर CTT MP टीचर रिक्रूटमेंट जो अभी अपकमिंग है, UPTT SSC IBPS एंड स्पेशली RRB ग्रुप डी का एग्ज़ाम भी आने वाला है, तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से, देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आपको सर्च से रिलेटेड आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन सिंपली स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3√5³। ये आपके पास क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, आपको इसे सॉल्व करना है। चलिए तो फॉर्मूलाज मैंने बेसिक में आपको सारे फॉर्मूलाज बताए हैं और उन फॉर्मूलाज को आप अच्छे से तैयार करें तो उस बेस पर आप आराम से इस टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ आपको लिखा है रूट जो आपका 3 है, ठीक है, तो ये जो होगा कुछ इस तरह से होगा, आप इसको थोड़ा ऐसे लिख के चलें, ये थोड़ा आपका ऊपर है, ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं। फर्स्टली आप इसको लिखेंगे 5³ और होल टू दी पावर 1/3, क्योंकि अगर आपका जो 3 है और रूट है, यानी कि इस तरह के अगर कोई क्वेश्चन है आपको, ये देखिए ये हो गया और यहाँ पर कोई नंबर है, ठीक है, ये नंबर है, तो ये जो आपका नंबर है ये कहाँ चला जाता है, आपका पावर में हो जाता है, तो 5³ आपका ये बन गया। ओके, सो हमारे इसी बेस पर ये हमने किया, ये आपका हो जाएगा 5 और ब्रैकेट हटाते हैं तो ये मल्टीप्लाई आ जाता है, ठीक है। मैं बेसिक ही पूरा आपको लाइन बताऊंगी ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो सके। तो 3 और 3 कैंसिल हो गया तो 5³ और ये आपका हो गया फाइनल आंसर। ओके, लेट सी नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, चलिए तो ये क्वेश्चन आपको आया है इक्वेशन में, तो आप इसको किस तरह से करेंगे। तो फर्स्टली आपको क्या करना होगा, आप इसके बेसिक फैक्टर निकालिए, ठीक है। सबसे पहले तो 80 का फैक्टर निकालिए, तो हम फैक्टर निकाल लेते हैं 80 का। तो 80 का फैक्टर आप किस तरह से निकालेंगे, वही आपको एलसीएम ले लेना है, तो एलसीएम से आप फाइनली इसके फैक्टर आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं निकाल देती हूँ, ये हो गया आपका 20, फिर आपने 2 से किया ये हो गया आपका 10, फिर आप 2 से इसको करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 5, देन आप जब इसे फिर से 5 से करेंगे तो हो जाएगा आपका 1। तो आप यहाँ पर कंफर्म कीजिए, ये हो गया आपका 1, 2, 3 और 4, 2⁴ और ऑन इंटू 5, हम इसको इस तरह से लिखेंगे। तो हमें जो फैक्टर मिले ये आपके फैक्टर हो गए। चलिए अब इसकी वैल्यू हम लिखते हैं √80, तो √80 का जो हमने फैक्टर निकाला वो आप इसको इस तरह से लिखिए 2⁴ × 5। ओके, अब इसे और आप इसी कर सकते हैं, इसी इस तरह से कर सकते हैं कि जो मल्टीप्लाई रूट है आपका वो अंदर है, तो आप इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मैंने इस तरह से कोई क्वेश्चन आपको बताया होगा, मान के चलिए ये फॉर्मूला है, तो आप इसे ईजिली डिफरेंट डिफरेंट लिख सकते हैं, √A × √B, ठीक है। तो इसी तरह से हम अपने इस नंबर को डिफरेंट लिख लेंगे, ठीक है, ताकि हम ईजी से इसे कर सकें। तो ये हो जाएगा आपका √2⁴ फिर मल्टीप्लाई √5। ओके, ये हो गया। चलिए अब और इजी इसको कर लेते हैं, और इजी किस तरह से कर सकते हैं मैं आपको दिखा देती हूँ। आप इसको इस तरह से लिखिए, 2 times लिखिए इसको, ये हो जाएगा आपका 2⁻², 2 × 2⁻², 2 के ऊपर 2 की पावर, 2 के ऊपर 2 की पावर, और मल्टीप्लाई आपका जो है √5 चलेगा, क्योंकि इसका तो कुछ भी नहीं हो सकता, तो आप फाइनली आपका ये आंसर तक रहेगा। अब यहाँ पर हम क्या करें, √2 और उसके ऊपर 2 की पावर है, ठीक है। चलिए तो हमने लिखा इसको 2√2 और फिर से हमने इसको लिखा 2 के ऊपर 2√2, ठीक है। अब इसको भी हमने इसको छोटे में रिप्रेजेंट कर लिया, ये हो गया। अब यहाँ पर आप देखिए, ये आपका √2 है और 2 के ऊपर 2 की पावर है, ठीक है। तो अगर इस तरह का कुछ क्वेश्चन आता है, आप सपोज़ ये देखिए, यहाँ पर आपका a⁻ है मान के चलिए, और यहाँ भी n की ही पावर है, ठीक है, तो क्या होता है, n कैंसिल हो जाता है, मतलब an आपका तो रहेगा और मल्टीप्लाई होता है 1/9 n, तो ये n से n कैंसिल हो गया, तो आपके पास a⁻¹ होती है। तब यहाँ पर आप देखिए, जो आपका 2 है वो √2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं यहाँ पर बताती हूँ किस तरह से कैंसिल होगा। ये आपको लिखा है
टू रूट टू, तो जो आपका इस तरह का नंबर होता है तो आप इसको किस तरह से लिख सकते हैं। जस्ट मैंने इसके पहले आपको इक्वेशन बताई होगी, आपका टू के ऊपर टू की पावर है और जब रूट हटेगा तो वन बाय टू की पावर आ जाती है, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए, ये टू अपॉन में है तो आपको क्या मिल गया, टू के ऊपर वन की पावर। तो आपको क्या मिल गया, टू के ऊपर वन की पावर और टू के ऊपर वन की पावर मिल गई, और मल्टीप्लाई आपका फाइव रूट चल ही रहा है। तो जो आपका आंसर आया आप देखिए, यहाँ हो गया टू टू जब फोर और रूट फाइव, ठीक है, और ये हो गया आपका फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ आया। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, होल रूट है 5 प्लस फिर 3 रूट एक्स इक्वल 3, ठीक है। तो व्हाट इज वैल्यू, यहाँ पर आपको फाइंड करना है टोटल, इसको हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो जो एक्स है वो क्या होगा ये हमें मालूम करना होगा। रूट 5 प्लस 3 रूट एक्स इक्वल टू 3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, एंड यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, नथिंग। आप सबसे पहले इसको इजी कीजिए, ये आपका रूट है तो हम क्या करेंगे, रूट को हटाते हैं, ठीक है, ताकि आपका जो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाए। इसका मतलब होता है, रूट का मतलब होता है आपके ऊपर वन बाई टू की पावर है, ठीक है। जो आपका होल इक्वेशन है उसके ऊपर टू की पावर है आपको, इक्वल में आपको थ्री है। नेक्स्ट स्टेप होगा, हम क्या करेंगे, इस वन बाई टू को और थ्री को ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, यानी कि थ्री के पास भेज देंगे उसको। ये आपका हो जाएगा फाइव प्लस थ्री हो गया और ये हो गया रूट एक्स। एंड हमेशा याद रखिए, जब वन बाई टू इक्वल की उस तरफ यानी किसी नंबर के पास जाता है तो उसके ऊपर पावर आ जाता है, यानी कि वन बाई टू की जगह हो जाएगा वन बाई टू। मतलब इस तरह का जो क्वेश्चन आते हैं, सपोज ये आपका दिया है टू, तो जब इसका एक्स अकेला हम लिखेंगे तो जो है आपका वन बाई टू है, टू के पास जाके टू के ऊपर पावर हो जाएगा, टू की पावर टू, ओके। तो हमने जो रूट था वो हमने थ्री को दे दिया। अब यहाँ पर देखिए, हो गया आपका फाइव, ये आपका थ्री है और रूट एक्स आपका हो गया, और थ्री थ्री नाइन होता है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, आप फाइव नाइन के पास ले जाएंगे तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा थ्री रूट एक्स इक्वल टू आपका हो गया नाइन माइनस फाइव, ओके। नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट आपका होगा, ये आपका थ्री हो गया, ये हो गया आपका रूट एक्स इक्वल टू नाइन माइनस फाइव इक्वल टू फोर, ओके। अब नेक्स्ट आप देखिए, अब आपका जो अगला स्टेप होगा वो क्या होगा, अगला जो आपका स्टेप होने वाला है वो ये होने वाला है, ये आपको लिखा है रूट थ्री रूट एक्स, तो आप इसको लिख सकते हैं एक्स के ऊपर वन बाई थ्री, ठीक है, जो कि हमने फॉर्मूलाज में पहले भी देखा था कि अगर आपको इस तरह का कोई नंबर लिखा होता तो उसका मतलब होता है उसके ऊपर उतने की पावर। अभी अभी आपका यहाँ पर थ्री है तो थ्री रूट एन है, तो आप इसको लिख सकते हैं एन टू दी पावर वन बाय थ्री, ठीक है। तो वही यहाँ पर लिखा है एक्स थ्री रूट एक्स, तो आप इसको लिख सकते हैं एक्स वन बाय थ्री इक्वल टू फोर। और जस्ट अभी हमने देखा था कि रूट हटाया, तो जब रूट को हम हटाते हैं तो जो पावर है वो नेक्स्ट नंबर के ऊपर हो जाती, तो यहाँ से भी हम क्या करेंगे, जो हमारा स्टेप होगा वही होगा कि हम x से 1 बाई 3 की पावर हटाएंगे, तो जब पावर हटाएंगे तो 4 के ऊपर 3 की पावर आ जाएगी, ओके। अब यहाँ से आप बहुत इजीली कर सकते हैं, 4 का जो 3 की पावर होती है 4 4 जा 16 4 जा 64, ओके, एंड ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ओके। बहुत ही इजी है, बस आपको एक तरह की प्रोसेस पता होनी चाहिए एंड ईजिली आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ओके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अब हम डिफरेंट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ है आपका टू, टू के ऊपर है आपकी एन की पावर इक्वल टू है 64, ओके। चलिए तो आप इसको, आपको इसको सॉल्व करना है, तो आप किस तरह से करेंगे, फर्स्ट जो मैंने आपको बताया था हम सबसे पहले से इजी करेंगे। इजी करने का मतलब है इसका जो रूट है इसको हटाएंगे, तो जैसे आप इसका रूट हटाएंगे तो होगा टू टू की पावर एन, और जो रूट है वो हटके सिक्स के ऊपर पहुंच जाएगा टू की पावर, ओके। तो हमने रूट को हटाया तो 64 के ऊपर टू की पावर हुई। देन अब यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो हम करते हैं, टू टू की पावर एन, अभी आपका मतलब सीधा सीधा हमें एन की वैल्यू मालूम करनी है, ओके। अब 64 है वो कब आएगा, टू टू जब फोर, ठीक है, फिर फोर टू जो आपका होता है एट, एट टू जो होता है आपका कितना, टू टू जो फोर, फोर टू जो एट, एट टू जो सिक्सटीन, और सिक्सटीन टू जो आपका 32, 32 टू जो हो गया 64, ओके। इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया, तो टू टू द पावर आपका कितना हो गया, टू टू द पावर सिक्स हो गया। तो यहाँ पर जो 64 है वहाँ आपको लिखना है टू टू द पावर सिक्स, यानी कि टू के ऊपर सिक्स की पावर होल टू द पावर टू, यानी कि पूरे के ऊपर हो गया आपका टू की पावर। अब अगर आपका अगला स्टेप क्या होगा वो आप देखिए, अगला जो स्टेप होगा वो होगा टू टू द पावर एन, और आप इसको लिख सकते हैं टू के ऊपर 12 की पावर, क्योंकि ब्रैकेट जैसे मैं हटाया, मैं यहाँ पर एक स्टेप और लिख देती हूँ, ये हो गया टू, टू टू द पावर सिक्स, ब्रैकेट हटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका इन टू, तो हमें मिल गया आपका जो मिला वो हो गया टू 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 द पावर 12, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारे और मैथ्स में कुछ लॉज होते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई पावर है, ठीक है, और यहाँ पर एक जैसे नंबर है, सपोज इक्वली नंबर है, तो जो आपके बेस होता है वो कैंसिल हो जाता है, ठीक है।
और कैंसिल हुआ तो आपको सिर्फ मिला, हमने यहाँ पर ये दोनों इक्वल थे तो कैंसिल किया, तो आपको मिल गया एन इज़क्वल टू 12। ओके, तो यही हमारा होगा फाइनल आंसर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन और देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है रूट एट है। ओके, रूट एट और होल टू द पावर 1/3। ओके, चलिए तो इसको फटाफट से हम करते हैं सॉल्व। तो फर्स्टली यहाँ पर देखिए आपको रूट एट है, तो रूट एट को आप क्या लिख सकते हैं, रूट एट को हम लिख सकते हैं 1/2 और होल टू द पावर आपका 1/3 पहले से है। अब चलिए हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को हटाएंगे, तो जब ब्रैकेट हटेगा तो हो जाएगा 1/2, ब्रैकेट हटता है तो मल्टीप्लाई लग जाता है और आपका हो गया 1/3। अब इसको आप इजी कीजिए तो ये हो जाएगा आपका 8 टू द पावर 1 1 जा 1 और 3 2 जा 6, तो 1/6। अब 2 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यानी कि 2 के ऊपर हो गई 3 की पावर और होल टू दी पावर 1/6, ये हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आप इसको कर सकते हैं 2 और ये हो जाएगा आपका 3, ब्रैकेट हटाएंगे तो हो जाएगा 1/6। अब 3 से आप कैंसिल कीजिए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो आपको जो मिला वो मिला 2 2 टू दी पावर 1/2। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट जो हमारा होगा वो अगर आप ध्यान से देखें तो 2 के ऊपर 1/2 की पावर है, तो 2 के ऊपर 1/2 की अगर पावर होती है तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं √2, क्योंकि जो रूट है रूट की वैल्यू होती है 1/2 की पावर। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आया वो हमें मिल गया √2। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं, वन मोर क्वेश्चन, लेट्स स्टार्ट। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 टू द पावर x इंटू 8 1/5 इक्वल टू 2 टू द पावर 1/5। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देखिए 2 टू द पावर x है, अभी हमें क्या करेंगे, बेस इक्वल करना है, तो 8 को हम छोटा करेंगे, 8 के फैक्टर निकालते हैं, तो 8 के जो फैक्टर आप निकालोगे, तो जब 8 के फैक्टर हम निकालते हैं तो हमें क्या मिलता है, यहाँ पर आपको मिलता है 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 के ऊपर 3 की पावर। ओके, तो हम यहाँ पर इसको वैल्यू को पुट करते हैं, 2 के ऊपर हो गया आपका 3 की पावर और होल टू दी पावर आपका चल रहा है 1/5। ओके, देन इक्वल में आपका चल रहा है 2 टू द पावर 1/5। नेक्स्ट स्टेप, 2 टू द पावर x इंटू ब्रैकेट हटेगा, तो ब्रैकेट जब हटेगा तो ये आपका हो जाएगा 3 इंटू 1/5 एंड इक्वल टू आपका 2 टू द पावर 1/5। ओके, नेक्स्ट स्टेप, 2 टू द पावर x यानी कि 2 के ऊपर x की पावर है और ये आपका हो जाएगा 3 1 जा 3, तो 2 के ऊपर हो गया 3/5। ओके, देन इक्वल टू 2 टू द पावर 1/5। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका वो हम देखते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो 2 टू द पावर x होगा और इक्वल टू हम लेंगे 2 टू द पावर 1/5 एंड जो आपका इंटू में था 2 टू द पावर 3/5 वो आपका अपॉन में हो जाएगा। ठीक है, अब हमने जो फॉर्मूलाज किए थे वो फॉर्मूला देख लेते हैं। हमने कुछ इस तरह का एक फॉर्मूला देखा था कि 8 टू द पावर m है और बेस वही होगा और 8 टू द पावर n है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, बेस वही रहेगा और जो पावर है वो हो जाएंगी आपकी माइनस। ठीक है, वही फॉर्मूला हम यहाँ पर पुट करेंगे इस इक्वेशन में, मैं यहाँ पर पुट करती हूँ, आपको दिया है 2 2, तो 2 बेस इक्वल है तो ये हो जाएगा आपका 2 और पावर है आपकी 1/5 और जो नीचे की पावर है वो हो जाएगी माइनस, तो 3 टू द पावर हो गई 5। ओके, अब इसको आप आगे सॉल्व करें तो हो जाएगा 2 LCM हो गया आपका 5, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 3, तो ये हो जाएगा आपका 2 3 माइनस यानी कि हो जाएगा -2/5। ओके, ये हमने यहाँ पर निकाला। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम पुट करते हैं 2 टू द पावर x इक्वल टू ये आपका आ गया 2 2 टू द पावर -2/5। अभी मैंने जैसे इसके पहले बताया था बेस एक जैसे होते हैं, तो जो उसकी पावर बस को हम लिखेंगे और बाकी बेस को कैंसिल कर देंगे, तो आपका हो जाएगा x इक्वल टू -2/5 एंड ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में आते हैं, सर्व से रिलेटेड यानी कि करणी और घातांक से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आते हैं और ये आपका CTET में जो मैथ्स सब्जेक्ट है जिनका उनके लिए इंपॉर्टेंट है, देन आपका MPTET यानी कि मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती, IBPS, RRB सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।